डॉट इन सो टूडे हैव कम वीडियो विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सैलरी एंड द पे विच यू गेट इफ यू आर सिलेक्टेड एज अ सेफिसर तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब है इन टर्म्स ऑफ पे सैलरी एंड नॉट ओनली दैट द वर्क इट सेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था

नहीं मांगते हैं बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड बी एलिजिबल यू शुड क्वालिफाई द एजुकेशनल यू शुड बी क्लियरिंग द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर जनरल स्ट्रीम एंड अदर स्ट्रीम्स ऑफ सेवी चलिए स्टार्ट करते हैं ओके सो यस इफ आई टॉक अबाउट द पे स्केल अगर मैं पे स्केल की यहाँ पे बात करूं तो दिस इज द पे स्केल सी पे स्केल रिवाइव हुआ था अभी कुछ टाइम पहले अर्लियर इट वॉज ट्वेंटी एट थाउजेंड वन फिफ्टी सो दिस इज द बेसिक पे ये बेसिक पे है यहाँ पे इसमें अभी बहुत सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स एड होते हैं ओके दिस इज कॉल्ड द बेसिक पे तो ये रिवाइज हुआ था नाउ इट इज फोर्टी फोर इज द बेसिक पे वंस यू ज्वाइन एज्रेड ऑफिसर तो यहाँ से आपका बेसिक पे स्टार्ट होता है देन देयर विल बी एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर द नेक्स्ट फोर ईयर अगले चार सालों तक पच्चीसो पच्चीस सौ रुपए का आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा आफ्टर फोर इयर्स योर बेसिक पे विल बिकम फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड हर साल आप ढाई हजार रुपए आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ओके आफ्टर फोर इयर्स इट विल बिकम फिफ्टी फोर फाइव हंड्रेड दे नेक्स्ट सेवन ईयर अगले सात सालों के लिए द एनुअल इंक्रीमेंट विल बी टू थाउजेंड एट फिफ्टी रुपीज सो आफ्टर दिस सेवन ईयर सेवन प्लस फोर आफ्टर इलेवन ईयर द बेसिक पे विल बिकम सेवेंटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज नॉट देर इज एन एफिशियजी बार दफ्टर यू कम्प्लीट इलेवन ईयर सो देर विल बी एन परफॉर्मेंस अप्रेजल तो अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री मानी जाएगी तभी आपको आगे के इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे देखो वैसे तो यू नो दैट एज यू ज्वाइन एज अ ग्रेड ऑफिसर देन यू गैट प्रमोशन आप असिस्टेंट मैनेजर uh, पोस्ट पे अपॉइंट होते हो देन प्रमोशंस आर प्रटी फास्ट इन से बी काफी स्लो नहीं है दे आर प्रिटी फास्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो तो यू विल शिफ्ट टू ग्रेड बी ग्रेड सी ऑफिसर ग्रेड डी ऑफिसर ओके तो देन दिस विल चेंज दिस पे बैंड विल चेंज दिस इज फॉर ग्रेड एफिसर बट अगेन अज्यूमिंग दैट यू रिमेन एट ग्रेड एनली तो उसमें किस तरीके से प्रोग्रेशन है वो मैंशन है

दिस इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर अस मतलब अभी इसका मैं आपको सैलरी स्लिप ऑफ अ रिसेंटली ज्वाइंट सेबी ग्रेड ऑफिसर वहां से आपको और क्लैरिटी मिलेगी ओके तो सैलरी की अगर बात करें इट कम्स आउट टू बी वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ अप्रोक्सीमेटली इफ यू आर नॉट टेकिंग द अकोमोडेशन ऑफ सेबी ठीक है बट इफ यू आर टेकिंग द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई सेबी देट विल बी एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड दिस डिफरेंस

टू तो फोर्थ अब हम बात करते हैं कौन से कौन से आपको अलाउंसेज मिलते हैं बिकॉज द बेसिक पर्पज इन दिसंसिस यू गेट अफ अलाड्रेड ओके आफ्टर एवरी ईयर देर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो दो साल के बाद जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा देन दिस विल बिकम फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड ओके दैट विल चेंज एवरी ईयर

ट ओके okay. ये भी बेसिक पे पर निकलता है अभी आई टेल यू अबाउट इट देन इफ यू जॉइन एस इफ यू आर ग्रेट बी ऑफिसर देन दिस अमाउंट बी ऑफिसर के लिए ज्यादा होगी अमाउंट दिस ग्रेड अलायंस डिपेंड्स अपॉन यूर ग्रेड ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेट सी देन डीयरस इज फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग ओके बिकॉज इन्फ्लेशन इज देयर लाइक एवरी इयर यू नो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस So, this is to cover for that increase in the general price level of the economy. You have DNS allowance. Okay. Then family allowance, house allowance, house allowance, HRA. This is HRA 34,500. So this particular officer is not taking the accommodation provided by SEBI. So that is why he is getting this allowance of 34,500. Then local allowance uh, for your traveling expenses within the city in which you are posted okay then special compensatory allowance see compensatory allowance is generally for difficult areas like hilly areas where uh, you know it is difficult to travel and all but again there is some minimum amount which you will get rupees 500 then learning allowance special grade allowance again grade allowance is connected with your grade grade a grade b grade c and so on and then employer er means employer

दोनों का एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन होगा प्रोफेशनल टैक्स इज देयर इट इज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ओनली टू हंड्रेड रुपीज देन इनकम टैक्स ना इनकम टैक्स यू नो एडवास टैक्स भी पे करते हैं प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्सेशन सो दिस टैक्स इज

so approximately it could be around 22000 uh, per month 20000 22000 per month then financial daily for a uh, for newspaper allowance this is like a newspaper allowance you get rupees 800 per month because as a sebi officer you are expected uh, to be aware of all the decent financial happenings you should be reading a financial daily okay then staff association deduction as i told you if you if you join the union there is some nominal expense for that then children education uh, allowance is also given up to two children okay and uh, that is 7000 per child per month okay then uh, sodexo coupon it is uh, for meals if you, you can uh, use this coupon for meals at various outlets it is rupees 880 per month okay these are some of the monthly allowances then there are some quarterly allowances like house cleaning allowance of rupees 15000 per quarter तो मंथली बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो डिवाइडिंग बाय ओके देन टेलीफोन अलायस एटी वन हंड्रेड पर क्वार्टर मेडिकल थाउजेंड पर एनम लैपटॉप अलायंस इज द रुपीज फोर्टी थाउजेंड इन फोर इस अगेन यू कैन इट ऑन एनुअल बेसिस टेन थाउजेंड पर एनम एंड कैलकुलेट ऑन पर बेसिस ऑल्सो देन फर्नीचर अलाउंस इज फर्नीचर एंड दिस परली फॉर स्पेक्टिकल एंड ऑल इट इज फोर्टी फाइव हंड्रेड पर एन एम ओके अगेन दिस इज फॉर दफिसर एंड द स्पाउस दोनों के लिए रहेगा ओके देन लीव फेयर कंसेशन लीव फेयर कंसेशन बेसिकली मीन्स An allowance uh, for you if you want to travel uh, on on holidays to some place, then you get. It is sometimes called leave travel concession (LTC). In central government, it is called LTC. Here it is LFC, leave fare concession. It is eighty-three hundred per person. Now per person here means you, your spouse, and your dependents. So your children. Would be included and your dependents would be included and in two years this is the amount. So per annum it would be four one five zero per person per annum. Okay, this is the uh, allowance for leave fair concession. Then annual health checkup you get rupees ten thousand per annum for that. Okay, then vehicle insurance twenty five thousand, dental treatment related expenses fifteen thousand per annum. Then there is also, you get allowance for acquiring professional qualifications and certifications. So, SEBI wants you to update your knowledge and skills from time to time. You get twelve thousand per annum for this. Also, briefcase allowance is also given, and there is subsidized lunch facility. As I already told you, you can see that uh, so many allowances benefits are being provided to you uh, as a SEBI grade officer. So, somewhere it is your the annual CTC. Uh, would be more than twenty lakhs. Around twenty lakhs, it would be like twenty lakhs would be. It, it is. It is costing sebi, okay, to uh, pay a sebi grade officer. Cost to company would be more than twenty lakhs, okay, because so many benefits are being given to you. And as I told you, your gross would come out to be somewhere. Uh, it would be more than one point eight lakhs per 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 month, okay. So very very lucrative job, seeing all the benefits and allowances. But again. Uh, the more important thing is the uh, you know the work environment, the projects you would be working upon. Uh, the work itself is very very challenging and interesting because you are working in the securities market regulator of the country and particularly if you have interest in finance domain, then uh, I would say this is one of the best jobs uh, in India particularly. So that's it for today's session. If you guys have any doubt or query, you can let me know in the comment section. If you want me to make any video on any specific topic or any specific aspect of SEBI grade a job, then do let me know. I will make a video on that. Chalye. On that note, I will end the session here. All the very best, guys. Take care. Goodbye, and have a nice day.